वेलकम टू द रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इससे पहले मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मोशन, मोशन और स्पीड भी हमने पढ़ी थी, स्पीडोमीटर, स्लो मोशन, फास्ट मोशन हमने रीड किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। तो पेज नंबर आपका है 148। टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज यूज इन डेली लाइफ। फंडामेंटल एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सॉरी यूज करते हैं एंड मोस्ट स्पेसिफिक पर्पस। अल्बर्ट आइंस्टाइन डिफाइन टाइम एज Time is what a clock read। मतलब टाइम वो है जो क्लॉक रीड करती है, पढ़ती है। A clock can be anything which repeats itself with the passing of time। क्लॉक क्या है? क्लॉक कुछ भी हो सकता है, बट ऐसी चीज जो कि टाइम के जाने के बाद भी अपने आप को रिपीट कर पाए। मतलब रिपीट कर पाए मतलब कि अभी अभी बजे हैं कितने, 10, ठीक है। तो रात अभी 10 बज, ये टाइम जाने के बाद भी रात को भी 10 बजेगा, ठीक है, उसी टाइम पे, और दिन भी कल इसी टाइम पे, दिन में भी 10 बज रहा होगा उस तरह से। तो जब ये जो वॉच, ये रिस्ट वॉच, ये दीवार दीवार पे जो लगाते हैं, इस तरह की जो वॉच नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, पिछले जब मतलब पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी में तो वॉच हो गई थी, लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ करता था, 16th सेंचुरी में इट अवर इंसेटर्स मेजरिंग टाइम बाय नथिंग द मोशन ऑफ द स्टार्स एंड द अर्थ। और जो हमारी पूर्वज थे वो मतलब तारों के साथ में और अर्थ के साथ में अपना टाइम देखते थे, नापते थे। इन अर्ली डेज पीपल यूज द नेचुरल इवेंट्स विच रिपीट रेगुलरली टू काउंट टाइम इंटरवल। एसर्ट्स फाउंड दैट द सन अराइज एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड द सेट इन द इवनिंग। द टाइम इंटरवल बिटवीन वंस अराइज एंड नाइट एंड नेक्स्ट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ इट। जो एक सूर्य उगने का जो उगने का जो टाइम था और डूबने का जो टाइम था उसको एक दिन के तौर पर कंसीडर करने जाने लगा। अ टाइम इंटरवल बिटवीन फुल मून्स डे एंड द नेक्स्ट वाज द मंथ। और जो टाइम था फुल मून और उसके जो इंटरवल का, उसको हमने मंथ का नाम दे दिया कि एक मंथ, एक मतलब जो मंथ होता है उसमें 30 दिन होते हैं, कभी 28 होते हैं, कभी 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 31 भी होते हैं, लेकिन उस टाइप से होते हैं वो, ये जो 15 दिन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो चंद्रमा है वो फुल रहता है और आधे उसमें डार्क रहती है लाइट। ऑफन वी नीड अ मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच shorter than a day। Units of time, time की unit क्या है? तो सबसे पहले ये time की unit है second, minute, hour, day, week, month, year, century, ठीक है। तो ये सारी क्या है time की units है। यहाँ पे देखिए आपको 10 centuries को हम क्या बोल लेते हैं, ये billion, बिलेनियम, तो ये टाइम की यूनिट्स हैं। लास्ट जो हमारे पूर्वज इस तरह की वॉच का यूज करते थे, जंतर मंतर है वो, एक घड़ी है, मतलब एक ऐसी घड़ी है जो दीवार पे बनाई गई है, और उस टाइम पे जब ये नोच में घड़ियां नहीं होती थी तब उस टाइम पे यहाँ पे उस टाइम देखते थे हमारे पूर्वज थे, पूर्वज मतलब अभी की बात है वो तो 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की, और ये भी इस तरह से। तो
ये टाइम की मतलब टाइम अपने के लिए यंत्र यूज किया जा रहे थे, यंत्र मंत्र जो दिल्ली में भी है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम का यूज कैसे होता था, आप यहाँ पे देखोगे आप महाराज जय सिंह सेकंड ने क्या बनवाया था। महाराज जय सिंह सेकंड बार बोर्न इन 1686 इन राजस्थान की बाद ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्किटेक्ट एंड द मैथमेटिशियन ही मेड हब सेंडियंस टू मेजर टाइम। दीज आर द लोकेट एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर। दीज टू नोट वर्क आफ्टर सनसेट और ऑन द क्लाउडी डे, मतलब जब सूर्य उगेगा उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बताते हैं। तो जंतर मंतर कहाँ पे है, दिल्ली में तो है ही, साथ में आपके एक जगह और है जो कि है जयपुर। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस आर क्लॉक एंड वॉच। क्लॉक और वॉच के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। इन द लेबोरेटरीज वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच एंड द फर्स्ट क्लॉक कॉल्ड द बाटर क्लॉक वॉज मेड बाय चाइनीज इन 600 ईयर्स अगो। आज से 6 साल पहले चाइनीज ने एक क्लॉक बनाई थी जिसको हमने बाटर क्लॉक बोला था। एंशियंट ग्रीक एंड इजिप्ट आल्सो यूज इट। द ग्रीक कॉल्ड इज डेस्पेरेटेड द अदर डिवाइस यूज अदर वाटर यूज वर सेंट क्लॉक कैंडल क्लॉक एंड आवर क्लॉक्स आवर द सनलाइट एंड द सन डील वाज यूज टू नो द टाइम ऑफ द डे। इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन द पोजिशन एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सन। मतलब सन की जो पोजिशन के साथ साथ में शैडो चेंज होती है उसके बारे में उसके थ्रू नापते थे टाइम को। रोमन यूज द सेंट क्लॉक। सेंट क्लॉक जानते हैं आप क्या होती है? सेंट क्लॉक अपनी मूवीज में देखी होगी या फिर आप कहीं आर्चिवर गैलरीज वगैरह में गए होंगे गिफ्ट विफ्ट में, यहाँ पे तो वहां पे भी आपने देखी होगी वो एक कैसे इस टाइप से रहता है, वो चल ही नहीं रहा, एक सेकंड इसमें होगा सही में रखता हूँ। तो सेंट क्लॉक नहीं है, सेंट क्लॉक एक कांच का एक रहता है ठीक है, जो बीच में पतला रहता है और दोनों साइड मोटा रहता है और उसमें से एक तरफ सैंड भरी होती है वो धीरे धीरे टपकती जाती है दूसरी तरफ पहुंच जाती है वो पूरा खत्म हो जाता है, फिर हम उसको उल्टा कर देते हैं, शायद आपने देखा हो आपको याद आ गया हो, तो फिर वो ऊपर से टपकने लगती है नीचे ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है? गैलीलियो एन इटालियन साइंटिस्ट डिस्कवर द पेंडुलम एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ वेरी पॉइंट मास सन पेंडेड बाय वेट लेंस एक्स टेंडिबल एंड द परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इन पार्टी प्रैक्टिस दैट्स रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल अ सच ऑफ द प्रैक्टिस पेंडुलम कंसीडर अ स्मॉल हैवी ब्रांच ब्रास स्पेयर कॉल्ड बॉक्स सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग एंड द सीट फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट्स। दीवार में मतलब जो हमारी क्लॉक्स होती है इस तरह से बड़ी बड़ी क्लॉक होती है जो घड़ी हम दीवार पे लगाते हैं उनमें नीचे एक पेंडुलम लगा रहता है इस तरह से, सभी में नहीं लगा होता लेकिन कभी जो लगा रहता है वो हिलता रहता है इधर से इधर इधर से इधर से, उसको पेंडुलम बोलते हैं ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट वन टू मेक अप द पेंडुलम वंस गैलीलियो वाज सिटिंग अ कैथेड्रल कैथेड्रल चर्च जो होता था उसको पहले कैथेड्रल कैसे चर्च बोलता था एट पीसा इटली में थे वो और देयर ही सो अ कैंडेलियर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग विद अ लॉन्ग चेन स्विंग स्लो देयर वाज नो वॉच और नो क्लॉक एट द टाइम टू मेजर टाइम सो गैलीलियो टाइम द ऑसिलेशंस बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ दिस पल्स ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन।
मतलब उन्होंने देखा कि वहां पे जो चर्च में वहां पे एक कुछ लटकी हुई है और वो इधर से इधर ऐसे मूव कर रही है, और उन्होंने देखा गैलीली में, तो उसको देखा कि वो जो मूव करती है इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है, तो पूरा मतलब 1 सेकंड में आती है। तो उन्होंने अपनी जो ब्रीथिंग थी उसके साथ में उसको वो ऑब्जर्व किया। देयर वाज अ वॉच एंड क्लॉक एट द टाइम टू मेजर टाइम टू गैलीलियो टाइम टाइम्ड ऑसिलेट बाय द काउंटिंग बाय बीट्स और हिज पल्स, अपनी पल्स के साथ में और अपनी बीट के साथ में उसने उसको धड़कन के साथ में उसको अपनी मिलाया, ऑब्जर्व किया। ऑन केयरफुली ऑब्जर्वेशन बी फाउंड दैट बाय द ऑक्स इनिशिएशन ऑफ द कैंडेलियर ग्रेजुएशन स्लो देम डाउन आउट द टाइम टेकन बाय ऑक्सीडेशन टाइम्स टू रिमेंट द सेम, वो एक सेम टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कुछ वॉच है आजकल यूज होती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पेंडुलियम वॉच जिसमें वो लटकता रहता है, जैसे हिलता रहता है पेंडुलम, उसको पेंडुलियम वॉच बोलते हैं। रिस्ट वॉच, इस तरह की जो वॉच होती है रिस्ट वॉच होती है। स्टॉप वॉच, वो जो खेल वगैरह में यूज होती है, दौड़ वगैरह में। ठीक है, डिजिटल वॉच, इस तरह की डिजिटल वॉच यूज होने लगी है आजकल, तो स्मार्ट वॉच भी आ रही है। नहीं, ठीक है, तो ये तो था टाइम और मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।